योग कथा के 69th एपिसोड में आप सभी योग प्रेमी सज्जनों को, आप सभी मुमुक्ष जनों को हृदय की गहराइयों से भाव भरा नमन, वंदन एवं सादर अभिनंदन। मित्रों, गुरु नानक देव जी हरिद्वार आते हैं। उन दिनों पितृपक्ष चल रहा था और लोग गंगा जी से पानी लेकर आकाश में अपने पुरखों को भेज रहे थे, पानी उठाते गंगा जी से और पूरब की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को अर्घ्य देते थे। नानक देव जी ने भी बाल्टी उठा ली, कुएं से पानी भरा और जैसे लोग तो पूरब की तरफ मुख करके भेज रहे थे, उन्होंने पश्चिम की तरफ बाल्टी उलटनी शुरू कर दी और जोर से कहने लगे, पहुंच मेरे खेत में। बार बार कहने लगे, पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में। जब 10-5 बाल्टी डाल चुके और सब जगह खराब कर दी, चारों ओर पानी ही पानी फैल गया, तो लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? और पुरखों को जो पानी चढ़ाया जाता वह सूर्य की तरफ, पूर्व की तरफ, आपको इतना भी पता नहीं है? आप तो पश्चिम की तरफ पानी गिराते जा रहे हो। वैसे हाथ से पानी लेकर के अंजलि से फिर अर्घ देना चाहिए, लेकिन आप तो बाल्टी से पानी भर भर करके गिराते जा रहे हो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। कहते जा रहे हो कि पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में। कहां खेत है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो आप? तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहते कि हाँ, खेत तो ऐसे 100-200 मील की दूरी पर है। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, 200 मील की दूरी पर खेत और यहां से बाल्टी से पानी उठा करके कह रहा है कि पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में। ये पागल है, पक्का पागल है। लोगों को विश्वास हो गया, लोग हंसने लगे। देखो, लोग दूसरों पर तो हंसते हैं, लेकिन
अपने बेवकूफी पर हंसते नहीं, लेकिन सारे संत क्या कहते हैं, सारे ऋषि क्या कहते हैं, आपको हंसना है तो खुद की बेवकूफी पर हंसना है, या तो लोगों के साथ हंसना है, लोगों के ऊपर हंसना नहीं। लेकिन मित्रों, जब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाता, सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ समझता है, सामने वाले व्यक्ति को पागल समझता है, तो उसके ऊपर हंसने लगता है। उस समय यह भूल जाता है कि मैं जिसके ऊपर हंस रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने अज्ञानता के ऊपर ही हंस रहा हूं। व्यक्ति भूल जाता है, लोग हंसने लग जाते हैं। उन्होंने कहा, तुम पागल हो, शक तो हमें पहले से ही हुआ था, कहीं 200 मील दूर यह पानी पहुंच सकता है। नानक देव ने कहा कि तुम्हारे पुरखे कितने दूर हैं? वे कहते हैं, वे तो अनंत दूरी पर हैं, हमें क्या पता कि वो कितने दूर हैं, गए हैं प्रभु के घर पे, प्रभु के द्वार पे होंगे वो तो हजारों हजारों मील दूर, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। तो नानक देव जी कहते हैं कि जब अनंत दूरी तक तुम्हारे अंजलि से उठाया हुआ पानी पहुंच सकता है, मैं तो बाल्टी से पानी उठा रहा हूं और मेरा जो खेत है वो तो 200 मील दूर है, वहां तो पहुंच ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। जब तुम्हारे पुरखों तक पानी पहुंच जाएगा तो मेरे खेत तक भी पानी पहुंच जाएगा, मुझे विश्वास है मेरे खेत पे जो है फसलें बड़े अच्छे लगेंगे, मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा, बस मेरे खेत की सिंचाई होगी। मित्रों, नानक कह रहे हैं, थोड़ा चेतो, तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा होश संभालो। उन लोगों ने तो नानक की बात सुनी या न सुनी हो, सुनने पर भी समझी हो या न समझी हो, क्योंकि संतों की भाषा, संतों की वाणी उलटवासी होती है, वे कई बार व्यंग्य के द्वारा भी सत्य को प्रकाशित कर रहे होते हैं। संतों की यह विशेषता है कि वे सदा सत्य को ही प्रकाशित करते हैं। संत मजाक भी कर रहे हो तो वहां पर सत्य प्रकाशित हो रहा होता है, संत सीरियस हो रहे हो तब भी वहां पर सत्य का प्रकाशित हो रहा होता है, क्योंकि संत सदा सत्य में जीता है। संत उसे कहते हैं जो सत्य के साथ जीता हो, सत्य जिसका स्वभाव बन गया हो वह संत होता है। लेकिन मित्रों, लोग जो वर्तमान के सत्य को भी समझ नहीं पाते, वे भूत और भविष्य के सत्य को कैसे समझेंगे। संत कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह या तो वर्तमान के सत्य को बोल रहा होता है, या भूत के सत्य को बोल रहा होता है, या भविष्य के सत्य को बोल रहा होता है। इतना ही नहीं, वह त्रैकालिक सत्य का प्रतिपादन कर रहा होता है, वह ऋत सत्य का ही नहीं, वह ऋत का ही नहीं सत्य का भी उद्घाटन कर रहा होता है। ऋत कहते हैं सृष्टिकालीन सत्य के लिए, और सत्य तो चाहे सृष्टि काल हो चाहे प्रलय काल हो, सदा के लिए सत्य ही होता है। सदा जो सत रहता हो उसे सत्य कहते हैं, और संत जो सत में प्रतिष्ठित हो चुका होता है, जो विवेक ख्याति से युक्त होता है, जिसे सत और असत का ज्ञान हो चुका होता है, जिसे ज्ञान और अज्ञान का भेद हो चुका होता है, तो वह चाहे किसी भी तरह से क्यों न हो, वह सत्य को ही प्रकटित कर रहा होता है, सत्य को ही प्रतिभाषित कर रहा होता है। गुरु नानक देव जी भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा होश संभालो, कहां पानी डाल रहे हो,
इस तरह की मूढ़ताओं से क्या होगा। लेकिन मित्रों, जितने भी मजहब है, जितने भी मत पंथ संप्रदाय है, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ इस तरह की मूढ़ताएं देखने को मिलती है। कोई किसी तरह की मूढ़ताओं के साथ जी रहा है तो कोई किसी तरह की मूढ़ताओं के साथ जी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संप्रदाय के पास कोई अच्छी चीजें नहीं है, है प्रत्येक संप्रदाय ने किसी न किसी अच्छी चीज की रक्षा भी की है। कोई संप्रदाय भाईचारा के सिद्धांत को रक्षा कर रहा है, कोई संप्रदाय अहिंसा को रक्षा कर रहा है, कोई संप्रदाय अपरिग्रह की रक्षा कर रहा है, कोई संप्रदाय कर्तव्य परायणता की रक्षा कर रहा है। प्रत्येक संप्रदाय किसी न किसके किसी चीज की रक्षा भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक अंधेरा पक्ष यह भी देखने को मिलता है कि उनमें कुछ न कुछ मूढ़ताएं होती है। संभवतः जब समय निकलता जाता है, संभवतः जब काल कवलित होता जाता है, संभवतः जब जिसके नींव पर, जिसके सिद्धांत पर, जिसके उपदेश पर कोई संप्रदाय खड़ा हुआ होता है, वह व्यक्ति जब चला जाता है तो लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते, इसलिए प्रत्येक संप्रदाय में अनर्थ जुड़ता जाता है और इस तरह की अनहोनियां, इस तरह की मूढ़ताएं, इस तरह की कुप्रथाएं जुड़ने लग जाती है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक घर पे लोग कुछ गोष्ठी आदि कर रहे थे, किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। उतने में वहां पर एक बिल्ली आ जाती है, बार बार आवाज करने लगती है और बार बार उन लोग को डिस्टर्ब करने लगती है। घर पे पाली गई थी बिल्ली, इसलिए लोगों के बीच में आकर के बैठने में, इधर उधर करने में उसे किसी भी तरह की कोई असहजता नहीं हो रही थी। लेकिन लोगों का ध्यान बार बार टूटता जा रहा था, इसलिए उनमें से किसी ने बिल्ली को उठाया और घर से थोड़ा दूर ले जाकर के वहां पर एक जगह पर रख दिया और उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें जो भारी चीजें हैं उसको रख करके उसे ढक दिया। उसके बाद अंदर चर्चाएं चलती रही और वहीं पर एक 10-12 साल का बच्चा भी था, एक किशोर था। और कुछ समय बाद फिर दोबारा चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले ही बिल्ली को इस तरह से ढक कर रख दिया जाए। ढक करके रख दिया, फिर चर्चाएं शुरू होती गई, संगोष्ठी पूरी हुई, फिर छोड़ दिया बिल्ली को। बार बार यह घटना दोहराते रहे और वह किशोर भी बढ़ता गया, उसकी आयु चढ़ती जा रही थी और वह यह दृश्य भी देखता ही जा रहा था। बाद में जब उसके पिता की मौत हो जाती है और जब उसके हाथ में इस सारा कारोबार आ जाता है, अब वह भी जिस तरह से पिताजी लोगों को बुला करके बिठाते थे और धर्म चर्चा करते थे, तो ऐसे वो भी लोगों को बुलाने लगा। उसको यह तो पता नहीं था कि उसके पिताजी धर्म चर्चा किया करते थे, उसके पिताजी किसी गहन विषय पर चिंतन किया करते थे। उसको लगा कि लोगों को बिठाना है, बुलाना है, बिठाना है समय समय पर और कुछ देर के लिए बिल्ली को ढक करके रख देना है, तो वह भी ऐसा करने लग गया। धर्म चर्चा छूट गई, चिंतन छूट गया, किसी गहरे प्रश्न पर विचार विमर्श छूट गया, लेकिन लोग इकट्ठे होते गए और उधर बिल्ली भी उसी तरह से ढकी जाती थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है और उसका बेटा जब वह
देखता था कभी कभी, तो उसको केवल इतनी बात समझ में आई कि समय समय पर बिल्ली को ढक करके रख देना चाहिए और एक दो व्यक्ति बैठ करके बातचीत करने चाहिए। अब वो देखने लगा, बिल्ली तो थी नहीं तब तक, घर से बिल्ली कब को मर चुकी थी, कब से गायब हो चुकी थी। तो अब वह पूरे गांव गांव घूमने लगा बिल्ली को ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि आज बातचीत करनी है कुछ लोगों को बुला करके, बिठा करके। पिताजी भी हर महीने दो महीने में इस तरह से बैठते थे, मेरे को भी उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, मुझे भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने है, मुझे भी अपने जो विरासत है उसको कंधे देना है, तो इसलिए क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। मेरे पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा भी यही होगी, उनके प्रति सच्चा श्राद्ध भी यही होगा, क्यों ना मैं ऐसा करूं। यह सोच करके वह व्यक्ति बार बार बिल्ली को ढूंढने लगता है। मित्रों, दूर दूर से बिल्ली को ढूंढ करके ले आते थे और उस बिल्ली को किसी भारी पदार्थ से ढक करके रख देते थे और उसके बाद वो लोग कुछ देर बातचीत करके फिर बिल्ली को छोड़ देते थे। आप बात समझ गए होंगे कि जब व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ नहीं पाता, जब व्यक्ति किसी भी क्रिया के पीछे के भाव को समझ नहीं पाता, जब व्यक्ति किसी भी घटना के पीछे की स्थिति परिस्थिति को समझ नहीं पाता, तो इस तरह की मूढ़ताएं पनपने लगती हैं। वहां पर बिल्ली को इसलिए ढक दी गई थी कि वह बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, और इधर बिल्ली को उसके पिता क्यों ढकने लगा, इसलिए कि बिल्ली को ढक करके ही कुछ विषय में बातचीत करनी चाहिए। और उसके बेटे ने क्या समझा कि बिल्ली कहीं पर भी हो ढूंढ करके ले आओ और बिल्ली को ढक दो और बैठ करके गपशप करो और बाद में बिल्ली को छोड़ दो। तो ठीक इसी तरह से नानक देव जी भी हंस रहे हैं, वो भी लोगों के सामने, लोग तो अंजलि से पानी लेकर के अर्घ दे रहे हैं पूरब की ओर मुख करके, वो पश्चिम की ओर मुख करके बाल्टी से पानी भर करके गिरा रहे हैं। लोगों से प्रतिप्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे अंजलि से भरकर उठाया हुआ पानी अनंत मील दूर बैठे हुए तुम्हारे पूर्वज तक, तुम्हारे पुरख तक पहुंच सकता है, तो मेरे तो बाल्टी से भर भर कर उठाया हुआ पानी और 200 मील के दूरी पर स्थित खेत तक क्यों नहीं पहुंचेगा। यानी कि वे उलटवासी कर रहे हैं। नानक देव जी यह बताने चाह रहे हैं कि आप प्रत्येक क्रिया के पीछे के भाव को समझो, वे प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाने की दिशा की ओर है। वे लोगों को यह समझाने जा रहे हैं कि अपने पूर्वज को जल देना, इसका मतलब पूर्वजों के प्रति स्निग्धता का भाव हृदय में रखना, पूर्वजों का श्राद्ध करना, इसका मतलब पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के भाव को आरोपित करना, श्रद्धा यानी कि सत्य को धारण करना, यानी कि पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा, उनके प्रति हमारा सच्चा समर्पण यही होता है कि हम उनके उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव को सदा साथ दे, उनके उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव को सदा बचा के रखे, उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले, उस परंपरा को कभी टूटने ना दे, वह परंपरा अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, पूर्वजों को सदा इस तरह से स्मरण करे कि उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया और उनके द्वारा जिस तरह के अच्छे कार्य किए जाते थे उसी तरह के अच्छे कार्य को भी आगे बढ़ाना, यह ही उनके प्रति सच्चा समर्पण है, यह ही उनका श्राद्ध करना है। मृत्यु के बाद वैसे तो श्राद्ध, ऋषियों ने तो यह कहा कि श्राद्ध मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी व्यक्ति का श्राद्ध हो सकता है। जीते जी कैसे श्राद्ध करें,
श्रद्धा का को आरोपित करे अपने माता पिता के ऊपर, उनका साथ दे, उन्हें ज्ञानी बनने के लिए मदद करे, उनके अंदर की मूढ़ताएं, उनके अंदर की पशुताएं, उनके अंदर की गलत धारणाएं उन्हें हटाने के लिए उनकी सहायता करे। अपने माता पिता को आगे बढ़ने के लिए, उनके उन्नति प्रगति के लिए, उनके जागृति के लिए उनका साथ दे, यही उनकी श्रद्धा है। उनके स्वप्न जो महान हो, जो बड़ा लक्ष्य व महान उद्देश्य से युक्त हो, उसे पूर्ण करने के लिए साथ दे। उनके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य को मिटाने के लिए उनका साथ दे। उनके अंदर के मोह को पोषित करने के लिए उनका साथ देना नहीं है, अपितु उनके अंदर के शत्रुओं को परास्त करने के लिए उन्हें साथ देना है। जीते जी स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त करना है और माता पिता को भी मुक्त होने के लिए मदद देनी है, सहायता करनी है, इसी का नाम श्राद्ध है। नानक देव जी यह बात इस घटना के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, इस उल्टी धंधा के द्वारा उन लोगों को समझाने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, सब लोग समझे यह कोई जरूरी नहीं है। लोग वही बात समझते हैं जो वे समझना चाहते हैं। अक्सर लोग उसी बात को समझ रहे होते हैं जो उन्होंने अंदर धारणा बना रखी होती है, बस उसे धारणा को पोषित कर रहे होते हैं। लेकिन योग कहता है, अध्यात्म कहता है, हमें सदा सत्य का ही ग्रहण करना है, सदा असत्य को छोड़ने के लिए तत्पर रहना है। जो बात तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर खरी उतरती हो, उन बातों का ग्रहण करना है, और जो बातें तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी में खरे ना उतरते हो, उन्हें छोड़ते हुए चलना है, ऐसा योग कहता है। और नानक देव जी भी यही बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, धर्म को धारण करो, धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनने दो, धर्म को अपने आचरण में उतरने दो। यह न तो शास्त्र से मिलेगा, न संप्रदाय से मिलेगा, न अंधे अनुकरण से मिलेगा। धर्म का संबंध होता ही तब है जब कोई व्यक्ति मनन को उपलब्ध होता हो। आदि गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि पहले श्रवण, पहले आपको सत्य विद्या का श्रवण करना है, फिर मनन करना है, फिर निधिध्यासन, तभी जाकर के आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार होगा तभी आपके अंदर विवेक की जागृति होगी, फिर विवेक होगा तब वैराग्य जगेगा। वैराग्य कहते हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तब जगेगा और वैराग्य जगते ही हमारे अंदर सट संपत्ति जगेंगे, वह संपत्ति हमें प्राप्त होगी। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, उसके बाद हम सच्चे अर्थ में मुमुक्षु बन जाते हैं, मुमुक्षत्व हमारे जीवन में घटित होगा। फिर उसके बाद हमारी प्रत्येक क्रिया मोक्ष की ओर अग्रसरित होगी। उस अवस्था में प्रत्येक क्रिया केवल मुक्ति के लिए समर्पित होगी। बस इस तरह से जीना जो आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, वही बात नानक देव जी भी कहते हैं। वे कहते हैं कि धर्म का संबंध तो मनन करने से है। विचार करो, जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, बहते मत चलो, बहकाते मत चलो, आप रुको, आप जरा चिंतन करके देखना कि आप जिन बातों को सुनते हो, जिन बातों को सुनाते हो, जिन बातों को पढ़ते हो, जिन बातों को पढ़ाते हो, उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, उससे आपके जीवन के अंदर की बुराइयां, कितने बुराइयां खत्म हो गई है, कितने दोषों के ऊपर आप विजित हो चुके हो, पहले कितने दोष थे और अब कितने दोष रह गए। लेकिन मित्रों, अक्सर लोग अपने दोषों को पनपने में सहायता करते हैं, दोष
और प्रबल होता जाता है। दिन रात काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य को पोषित करते जा रहे हैं और लोगों को बोलेंगे कि उनसे मुक्त हो जाओ। कैसे होंगे, कैसे होंगे? न तो वाणी असरदार होगी, न ही उनका जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। व्यक्ति स्वयं भी डूबते जा रहा होता है, दूसरों को भी डुबाते जा रहा होता है, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मेरी उन्नति हो रही है। वो देखता है भौतिक चीजों को, बोलता है कि मेरे पास में ये चीजें पहले नहीं थी, आज मेरे पास में ये चीजें आई, मैं माला माल हो गया, मैं बहुत धन्य हो गया। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें देखना है रुक करके, कितने दोष थे कल तक, आज कितने दोष हमारे साथ में है। क्या हम पवित्र बन गए? क्या हमारी प्रत्येक क्रिया लालच डर और मोह से रहित है? क्या हम जो भी काम कर रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य से रहित होकर के कर रहे हैं? क्या इनको क्षीण करने के लिए हम कोई कर्म कर रहे हैं, या हमारे प्रत्येक कर्म से क्षीणता को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? हमें देखना होगा, हमें ठहर कर रुक कर विचार करना होगा। लेकिन जब तक हम ठहरेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब तक हम जो श्रुति विद्या है, जो सुनी हुई गुरुमुख से सुनी हुई या वेदादि सत्य शास्त्रों से ग्रहण की गई जो विद्या है, उसके ऊपर हम मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारा उत्थान असंभव है। तब तक हमारे भीतर से सुरति आती नहीं है, तब तक ओंकार का नाद कभी भी नहीं गूंजेगा। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक व्यक्ति सत्य सिद्धांत का ग्रहण नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर जो सत्य बातें हैं उसका ग्रहण करने और असत्य बातों को छोड़ने के लिए प्राण प्रण से जो है कटिबद्ध नहीं होगा, जब तक इसके लिए व्यक्ति तैयार नहीं होगा, तब तक वह और तो सब कुछ करेगा लेकिन ध्यान कभी नहीं लगा पाएगा, ये निश्चित है। व्यक्ति और सब कुछ कर लेगा लेकिन अपने मन को एक पल के लिए भी रोक नहीं सकेगा, नहीं रोक सकेगा। लेकिन ये बात भी है कि व्यक्ति जैसे ही सत्य सिद्धांत को अपनाने लगता है, जैसे ही सत्य सिद्धांत का ग्रहण करने लगता है, वैसे ही मन ठहरने लग जाता है, मन शांत होने लग जाता है, अंदर से वह अनहत नाद उत्पन्न होने लग जाता है। व्यक्ति ओंकार की धुन के साथ, ओंकार की ध्वनि के साथ लयबद्ध हो जाता है, उसी में खो जाता है, वह उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसा योग कहता है। और मित्रों, जहां से ओंकार का नाद शुरू होता है वहीं से धर्म का संबंध शुरू हो जाता है। जिस दिन हम उस नाद को सुनने के लिए समर्थ हो जाएंगे, उससे करने वाले कोई नहीं रहेगा, हम करने वाले नहीं होंगे, हम बस बांसुरी मात्र बनेंगे, हम बस पोली बांसुरी की भांति, हम बस वीणा की भांति बनेंगे, बस आवाज निकालने वाला और कोई होता है, एक सुमधुर संगीत को प्रकट करने वाला और कोई होता है। ऐसे ही हमारे रोम रोम से सुमधुर संगीत प्रकट होने लग जाता है, हमारे रोम रोम झंकृत होने लग जाते हैं, हमारे वाणी से हो, हमारे आचरण से हो, हमारे चलने फिरने से हो, धर्म की वर्षा होने लग जाती है। उसी स्थिति को योग में धर्म मेघ समाधि कहा गया है। मित्रों, भीतर बस नाद हो रहा होता है, हम आह्लादित हो रहे होंगे, हम साक्षी भाव से स्थित हो जाते हैं, हम दृष्टा बन जाते हैं। वह स्थिति वस्तुतः धर्म से जुड़ी हुई होती है, वही धर्म है। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने धर्म को कई एंगल से परिभाषित किया है। उन्होंने धर्म को किसी एकांगी दृष्टि से नहीं, बहुत सारे दृष्टि से परिभाषित किया है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुप्रेक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मान्य योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। ऋषियों ने उस धर्म का उपदेश किया है, ऋषियों ने अधर्म को छोड़ने के लिए कहा है,
जिसका स्वरूप ईश्वर के आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होकर बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषों से युक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है और सब मनुष्यों को त्यागने के योग्य है, वह अधर्म कहलाता है। अधर्म से युक्त व्यक्ति ही वस्तुतः पापी कहलाता है, वह ही पाप कर रहा होता है। क्या है पाप? जो पुण्य के विपरीत और मिथ्या भाषण आदि करना है उसको पाप कहते हैं। पुण्य यानी कि जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है उसको पुण्य कहते हैं। तो मित्रों, ऋषियों ने क्या कहा कि धर्म को अपने जीवन का अंग बनने दो, धर्म को अपना लो। वस्तुतः धर्म कहते ही उसे है जिसे धारण किया जाता है, जिसको हम धारण करते हैं और जो धारणकर्ता का धारण करता है उसे कहते हैं धर्म। जिसे हम अपनाते हैं, जो हमें अपनाता है उसका नाम है धर्म। धारण धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है, मन प्रत्यय करने से, जिसका अर्थ होता है ध्रियते सुख प्राप्तये सेव्यते सधर्म, अर्थात पक्षपात रहित न्याय, सदाचार, पुण्य, इसी का नाम धर्म है। और ऋषियों ने कहा कि आप धर्म का पालन करो। मनुस्मृति में धर्म की परिभाषाएं भरी पड़ी है, कई परिभाषाएं मिलती हैं। एक परिभाषा आप लोगों ने भी कई बार सुनी होंगी, मनुस्मृति के छठे अध्याय का 92वां श्लोक है, उसमें कहा है धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वहां पर क्या कहा कि धैर्य रखना, क्षमा करना, मन को अधर्म से रोकना, वो धर्म में लगाना, चोरी न करना, भीतर और बाहर की पवित्रता रखना, इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर धर्म में लगाना, सत्पुरुषों के संग व योगाभ्यास आदि बुद्धि बढ़ाना, जिस विद्या को प्राप्त करना है उस विद्या को, उस सत्य विद्या को प्राप्त करना, सत्य बोलना व क्रोध न करना, यही धर्म कहलाता है। इन महान गुणों को जीवन में धारण करना, इन महान गुणों के संग जीना, इनके संग रहना, इनको ही ओढ़ना, इनको ही बिछाना, इनके साथ ही अपने जीवन का यापन करना, इस जीवन की यात्रा को इनके साथ साथ बढ़ाते चलना, उस यात्रा की ओर बढ़ते चलना, उसी का नाम धर्म है। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय में वैसे 139वें श्लोक में कहते हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्रावु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण करना धर्म कहलाता है। वैसे 12वें अध्याय के 106 नंबर के श्लोक में भी वे धर्म को पुनः परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेदनेतरः। वेद और धर्म शास्त्रों का वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान और सत्य निश्चय करना धर्म कहलाता है। कितनी सुंदर परिभाषा है यह। ऐसे ही परिभाषा वे इसी अध्याय के 108वें नंबर के श्लोक में फिर देते हैं अनाम नातेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेद् भवेत् यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः सधर्मः स्याद् शंकितः। शिष्ट आप्त विद्वान जैसा धर्मयुक्त व्यवहार बतावे उसे धर्म कहते हैं। मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो बातें बताई जाती हो वे जैसा आचरण करते हो वैसा आचरण करना धर्म कहलाता है। यद्यदा चलती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, जैसा जैसा समाज के श्रेष्ठ जन, समाज के देव पुरुष आचरण करते हैं, विद्वान पुरुष आचरण में ले आते हैं, वैसे ही अपने आचरण में भी ले आने को धर्म कहा गया है। इसलिए कहा गया ना
कि महाजनो एनगता सपन था। सभी शास्त्र सभी ऋषि यही कहते हैं कि महापुरुष जिस राह पर चलते हैं उसी राह पर चलना, उसी पथ का अवलंबन लेना, क्योंकि वह पथ ही वस्तुतः धर्म पथ है, वह पथ ही वस्तुतः योग पथ है, वह पथ ही वस्तुतः मोक्ष पथ है, उसी की ओर व्यक्ति को चलना होता है। इतने सारी परिभाषाएं मनुस्मृति के अंदर देखने को मिलती है, इससे निश्चय ही यह बोध हो जाता है कि हमें निरंतर पक्षपात रहित न्याय सदाचार व पुण्य कर्म में रत रहना होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें अहिंसा का पालन अवश्य में करना चाहिए, इसके लिए हमें यत्न करना चाहिए और धारण करने योग्य जितने भी श्रेष्ठ गुण है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वकालिक और सार्वजनिक सत्य है, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनने देना चाहिए। चित्त जिस प्रवृत्ति में लग जाता हो, जो त्याग और प्रेम से भरपूर हो, वही वास्तव में धर्म है। जिसमें सब एक मत हो वह धर्म है, जिसमें अनेक मत हो वह धर्म नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्या हिंसा करनी चाहिए? धरती का हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, नहीं करनी चाहिए हिंसा। झूठ बोलना चाहिए? नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही क्या दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को कष्ट दे करके ढेर सारी चीजें अपने पास में इकट्ठे करने चाहिए? नहीं चाहिए। तो मित्रों, ये सारी चीजें क्या है? धर्म। जितने भी धारण करने योग्य श्रेष्ठ गुण है उनका ही नाम धर्म है, और धारण करने योग्य गुणों को अपने जीवन से जोड़ देना उसका नाम योग है, युजर योगे, उनको अपने जीवन के संग जोड़ लेना, सत प्रवृत्तियों को अपने संग जोड़ लेना, उसका नाम धर्म है। धर्म का अर्थ यह है कि जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दे तो जो करना चाहिए वह होने लगता है, वह धर्म है। और मित्रों, शुभाशुभ संस्कार को भी धर्म कहा गया है। यूं तो धर्म कई अलग अलग संदर्भ में भी ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे धर्म की शक्ति के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, और ऐसे ही चूर्ण से पिंड, पिंड से घट आदि की जो उत्पत्ति रूपी शक्ति है उसको भी धर्म कहते हैं। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं कि जैसे मिट्टी एक जो है धर्मी है, मृत धर्मी, और उसमें पिंड धर्म, ऐसे ही घट धर्म, ऐसा ऐसा होता है। मैंने ये बातें आप लोगों के सम्मुख रखी थी, आप लोगों को स्मरण में होगा कि मृत धर्म में पिंड धर्म जैसे हट जाता है तो घट धर्म आ जाता है, इसको धर्म परिणाम कहते हैं। फिर ऐसे घट धर्म पहले अनागत लक्षण वाला था, अब वर्तमान लक्षण वाला हो गया, इसे लक्षण परिणाम कहते हैं। ऐसे वर्तमान लक्षण में विद्यमान घट धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, यह अवस्था परिणाम कहलाता है। इस प्रकार जो है जितने भी भूत इंद्रिय आदि पदार्थ है उनमें निरंतर घटित हो रहे होते हैं, तो ये जो निरंतर घटित परिणाम है उनमें से जो एक परिणाम है वह भी धर्म कहलाता है। धर्म को इस रूप में भी परिभाषित किया है, और प्रवृत्ति के कारण को भी धर्म कहा गया है। जैसे धर्म धर्म सुप्रवर्तनस्य निमित्त भूत धर्म, ऐसे अभिव्यक्त गुण के लिए भी धर्म कहते हैं, धर्म जात गुण। ऐसे ही जो है पहले भी मैंने कह दिया कि जो है सत्य न्याय के अनुसार आचरण, धार्मिक क्षमता पैदा करना, नैतिकता, आचरण की संहिता, इसको भी धर्म कहते हैं। और दुर्गति में पतित प्राणियों की रक्षा करने वाला है, इसको भी धर्म कहते हैं। मित्रों, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसा कहा गया है। यानी कि व्यक्ति की रक्षा करने के लिए कोई समर्थ है तो उसे धर्म कहते हैं, अधर्म व्यक्ति की कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हमें पहले धर्म की रक्षा करनी है। कई लोग धर्म की रक्षा करनी है इस बात को ले जाकर के संप्रदाय के साथ घटाते हैं, कहते हैं कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने संप्रदाय को ही धर्म समझ रखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी संप्रदाय के अंदर जो सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वजनिक बातें हैं उसी का नाम धर्म है, जो धारण करने योग्य है, जो सबके लिए समान है उसका नाम
धर्म है उसी का नाम योग है। वस्तुतः योग ही धर्म है और धर्म ही योग है। धर्म को ऐसे मोक्ष का साधन भी कहा गया है और दुख से रक्षा करने वाला तो यह है ही, विपत्ति में यह सहायक है और ऐसे कार्य कारण की योग्यता से युक्त शक्ति को भी धर्म कहा गया है। और कई बार जो है नित्य और नैमित्त कर्मों का जो अनुष्ठान होता है उसको भी धर्म शब्द से कहा जाता है। एक प्रपंच हृदयम करके एक ग्रंथ है और प्रबोध चंद्रिका करके भी एक ग्रंथ है, उनके अंदर यह परिभाषा देखने को मिलती है। वहां पर कहा गया है कि काम्य कर्म फल त्यागे न नित्य नैमित्त का अनुष्ठान जनितो पूर्वाख्यो धर्म, यानी कि काम्य कर्म के फल के आशा को छोड़कर नित्य और नैमित्त कर्म का श्रद्धा भाव से अनुष्ठान करना धर्म कहलाता है। धर्म ऐसे एक स्वामीनारायण दर्शन करके स्वामीनारायण संप्रदाय से एक ग्रंथ प्रकाशित हो रखा है, उस ग्रंथ के अंदर बड़ा सुंदर वाक्य देखने को मिलता है। धर्म को बड़े ही बेहतरीन ढंग से वहां पर परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम, ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य को धर्म कहा जाता है। ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य को, हालांकि ज्ञान और वैराग्य दोनों ही एक ही बात है, लेकिन ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको वैराग्य कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है उसको दिखाने के उद्देश्य से ये बातें कही गई है। और सुख जनों को धर्म, ये भी बात न्याय शास्त्रों में आई हुई है। और ऐसे बुद्धि के धर्म को ही धर्म भी कहा जाता है कई जगह पर, बुद्धि धर्म धर्म। कुल मिलाकर के वस्तुतः धर्म क्या है? प्रियाचरण। और अधर्म क्या है? अप्रियाचरण। इस बात को पुनः सुन लीजिए, जो प्रियाचरण है उसे धर्म कहेंगे और जो अप्रियाचरण है, जो निकृष्ट आचरण है, जो श्रेष्ठ आचरण नहीं है, वह अधर्म है। बस इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। तो मित्रों के धर्म कोई मजहब नहीं हो सकता, यह बात आप सब लोग समझ गए। और ऐसे किसी कवि ने बड़े सुंदर रूप में कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। यानी कि चित्त की शुद्धता ही धर्म है, यानी कि जिन गुणों को धारण करने से, जिन कृत्यों को धारण करने से मन पवित्र बनता जाता हो, मन पावन बनता जाता हो, चित्त स्थिर होता जाता हो, हम अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हो, उसका नाम धर्म है। धर्म हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई मुस्लिम आदि जितने भी इस धरती में 1000 से अधिक प्रकार के संप्रदाय एग्जिस्ट करते हैं, सैकड़ों संप्रदाय तो हिंदू धर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग उपसंप्रदाय एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम किसी न किसी धर्म के एक लक्षण को या धर्म के किसी न किसी एक लक्षण के रक्षक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन उसको ही संपूर्ण धर्म के रूप में कभी भी नहीं अपना सकते। धर्म तो वह है जो स्वभाव है, धर्म तो वह है स्वभाव, यानी कि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। जैसे हमारा स्वभाव क्या है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। ऐसे ही पदार्थ का स्वभाव क्या है? क्षीणता को प्राप्त होना, धीरे धीरे अपने मूल की ओर चले जाना, ये उसका धर्म है, स्वभाव है, है ना। अपने स्वभाव को जैसे ही पदार्थ छोड़ देता है वैसे ही उसका अस्तित्व भी बदल जाता है। जैसे आग का धर्म है, आग का स्वभाव है जलाना, ताप उष्णता आग का धर्म है। ऐसे ही शैत्य शीतता शीतलता यह पानी का धर्म है, जल का धर्म है। ऐसे ही नीचे की ओर बह जाना यह जल का स्वभाव है, और आग का स्वभाव है निरंतर ऊपर की ओर उठते जाना, है ना। ऐसे ही फल आदि का स्वभाव है अपने मूल पे गिर जाना, इसलिए फल देखो नीचे गिर जाता है, क्यों? उसका उत्पत्ति स्थान जमीन है। पानी नीचे की ओर बह जाता है, क्यों? उसका स्थान समुद्र है। ऐसे दीपक का लौ ऊपर की ओर उठ जाता है, क्यों? क्योंकि उसका मूल सूरज है,
ऐसे ही हमारा जो मूल है, हमारा जो मूल स्वभाव है, वह शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और हमें भी अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाना चाहिए, और उसको ही धर्म कहा गया है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, यानी कि जिसे धारण करने से दिन प्रतिदिन हम सुख की ओर बढ़ रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन चैन की ओर बढ़ रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन शांति की ओर बढ़ रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन हम करुणा से युक्त हो जाते हैं, जिसको धारण करने से दिन प्रतिदिन हम संवेदनाओं से युक्त हो जाते हैं, जिसे धारण करने से दिन प्रतिदिन हम सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, दिन प्रतिदिन हम प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम अमृत पद की ओर बढ़ जाते हैं, उसका नाम धर्म है। उस सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सार्वकालिक मूल्यों का नाम धर्म है। और मित्रों, हमें धर्म का धारण करने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए, धर्म को धारण करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, उसी का नाम साधना है। धर्म को धारण करने के लिए, धर्म के संग जीने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया जाता है, उसका नाम साधना है। और धर्म जैसे जीवन में जुड़ जाता है, उसका नाम योग है। और वस्तुतः इस धर्म का वही अर्थ है जो बुद्ध के धम्म का है, इस धर्म का वही अर्थ है जो महावीर के धर्म का है, इस धर्म का वही अर्थ है जो लाओत्सु ने ताओ शब्द से कहा है, और वही धर्म नानक भी यहाँ पर कह रहे हैं। तुम अपने स्वभाव से जुड़ जाओगे और स्वभाव में हो जाना ही, अपने स्व में स्थित हो जाना ही फिर परमात्मा में स्थित होने का आधार बन जाता है। आप लोग समझ चुके हैं कि आत्म साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार के लिए आधार बन जाता है, एक क्रम है, आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार। और जैसे ही हम अपने स्वभाव से हट जाते हैं, हम अपने स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं, तो हम ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, योग कहता है कि हमें पहले अपने स्वरूप में स्थित होना है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। कब होंगे हम अपने स्वरूप में स्थित, कब हम अपने स्वभाव में लौट आएंगे, कैसे, कब हम अपने घर वापस आ सकेंगे, तब ना जब हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, जब हम हमारे अंदर के चित्त वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, निरंतर जो वृत्तियां बनती जा रही है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति रूपी जो वृत्तियां है, उन वृत्तियों को रोक देना, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना, मानो तालाब में जो हिलता हुआ पानी है, उस पानी का ठहर जाना, यही है वृत्तियों का निरोध हो जाना। और जैसे ही वृत्तियां निरोधावस्था को प्राप्त होती है, जैसे ही वृत्तियां रुक जाती है, अब वृत्तियां या चित्त अपने उच्चतम भूमि में अवस्थित हो जाता है। सामान्य तौर पर चित्त मूढ़ या विक्षिप्त है ना, या क्षिप्त, इन भूमियों में ही डोल रहा होता है, और जैसे ही वृत्तियां रुक जाती है, वैसे ही चित्त अपनी अगली भूमि में पहुंच जाता है, और उस भूमि को कहते हैं एकाग्र भूमि, और अंतिम भूमि जहां पर चित्त पूरी तरह से ठहर जाता है, जहां पर उस वह परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित होता है। वैसे परमात्मा ही हम सबका आधार है, सदा आधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषाभिः। उस परमाधार परमेश्वर में जब चित्त स्थित हो जाता है, जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और जब हमारी आत्मा अपने उस परमाधार ईश्वर में स्थित हो जाता है, उस अवस्था को ही असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। और असंप्रज्ञा समाधि जब बार बार घटित होगी,
उसके बाद फिर धर्मिक समाधि की स्थिति आ जाती है, और धर्मिक समाधि भी जब पूरी तरह से घटित हो जाती है, फिर उसके बाद की जो स्थिति है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के बाद ही हम अपने जीवन के जो तात्पर्य है, जीवन की जो औचित्य है, जीवन जिसके लिए मिला हुआ है, हम उसे सिद्ध कर पाएंगे, उसे सार्थक कर पाएंगे। तो मित्रों, हमें निरंतर धर्म को धारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए, धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर कभी भी हमें अपने पग को नहीं बढ़ाना चाहिए। धर्म के मूल स्वरूप को समझना है और उसी के अनुसार आचरण करना है, उसी के अनुसार जीना है, और निरंतर धर्म के ऊपर चिंतन करते रहना है, चिंतन करना है, जिसे ऋषियों ने धर्म कहा है। ऋषियों ने धर्म, जैसे मुख्य रूप में मैंने कहा कि ये 10 धर्म के लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशको, धर्म लक्षणम। ये मूल है, यानी कि धैर्य रखना, क्षमा करना, मन को अधर्म से रोकना व धर्म में लगाना, चोरी न करना, भीतर और बाहर की पवित्रता रखना, इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर धर्म में लगाना, सत्पुरुषों के संग, इसे को जो है सत्संग भी कह देते हैं, और योगाभ्यास आदि से बुद्धि बढ़ाना, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये मुख्य है। ऐसे पतंजलि मुख्य रूप में 10 को लेते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर ऐसे ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बस इनके संग जीने की कोशिश करना। बल्कि इतना ही नहीं, निरंतर आसन, प्राणायाम, फिर ऐसे ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के संग जीना, निरंतर समाधि, यानी कि संप्रज्ञा समाधि और संप्रज्ञा समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए यत्न करना, और यत्न पूर्वक समाधि को भी अपने जीवन में धारण करना, वह धर्म है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऋषियों ने और कई सारी बातें कही है। वे कहते हैं कि दानम धर्म, यानी कि दान ही धर्म है, तो इसलिए निरंतर दान का अभ्यास करना, देने की प्रवृत्ति विकसित करना, बार बार हम लेने के लिए यत्न कर रहे होते हैं, लेकिन ऋषि क्या कहता है कि लेना नहीं, देना है, है ना। शतहस्तम समाहार, सहस्त्रहस्तम संकीर्ण, 100 हाथ से लो, 1000 हाथ से बांटो, निरंतर लेते रहो और देते भी रहो। अपने को केवल माध्यम बनाना, केवल माध्यम हूं मैं ऐसा समझना, और जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उस प्रक्रिया को देखते रहना, उसका नाम भी धर्म है। और ऐसे ही मैंने पहले भी कहा, अहिंसा को भी धर्म कहा गया है। मीमांसा सूत्र में कहा है कि 14 लक्षणोर्थ धर्म उक्तः, अर्थात जो सत्य, अहिंसा आदि शुभ कर्म में प्रेरित करे वह धर्म कहलाता है। इन शुभ कर्मों की ओर जो चीजें प्रेरित कर देती है उसको भी धर्म कहते हैं। जिसको धारण करने से हमारे अंदर सात्विकता में वृद्धि हो जाती हो, सत्व गुण बढ़ जाता हो, उसको भी धर्म कहा गया है, सत्व वर्धको धर्म। ऐसे ही अलग अलग रूप में जो इंद्रियों पर संयम करना, पहले भी ये बातें आई थी, उसे भी धर्म कहा गया है। सारे के सारे जो वैद्यकीय ग्रंथ है वहां पर विशेष करके इसे ही धर्म कहा है कि जो है धर्मो मित्रम मृतस्य च, फिर धर्म इंद्रिय निग्रह, ये धर्म है। वैद्यकीय सुभाषितावली के अंदर भी यह परिभाषा देखने को मिलती है। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। यह ही आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का कारण है। वह एक और अपने में समग्र है, उसके खंड नहीं हो सकते। जो धारण करने योग्य एक ही चीज क्या है यदि कोई पूछे तो हम कह सकते हैं
वह धर्म है, धर्म ही धारण करने के, यह मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने एवं व्यक्तित्व का सर्वांग पूर्ण परिष्कार कर दिखाने वाली एक कार्यशैली है। हर विवेकशील व्यक्ति को इसका अनुपालन करना चाहिए। और मित्रों, ऐश्वर्य और मोक्ष देने वाला भी धर्म है, ऐसा वैशिष्ट सूत्र के अंदर आया है। वहां पर कहा गया है कि अभ्युदय यानी कि सात्विक समृद्धि और निश्रेयस यानी कि मोक्ष, इन दोनों का जो कारण है या जिसके द्वारा इसकी सिद्धि हो जाती है उसको बोला गया है धर्म। यानी कि जिसे धारण करेंगे तो जीवन में सात्विक समृद्धि भी आ जाती है और निश्रेयस भी मिल जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मैं झूठ इसलिए बोलता हूं कि सच बोल करके जीना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि झूठ बोलने से कभी रक्षा नहीं होगी, अधर्म से कभी रक्षा नहीं होगी, अधर्म से कभी सात्विक समृद्धि नहीं आएगी। धरती में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो चोरी करता हो और अमीर बन गया हो, कोई नहीं। चोरी करने से थोड़ा बहुत चलो जिंदा रह सकता है, झूठ बोलने से थोड़ा बहुत जिंदा रह सकता है, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बनेगा, सात्विक समृद्धि कभी नहीं आएगी। और सात्विक समृद्धि के साथ साथ निश्रेष भी आ जाता है। जिसके जीवन में सात्विक समृद्धि ही ना हो उसके जीवन में निश्रेयस की कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता। इसलिए वैशेषिक सूत्रकार कहते हैं ये तो अभ्युदयानि ही श्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी कि ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी कि जिससे भौतिक ऐश्वर्य सात्विक समृद्धि तथा निश्चित कल्याण अर्थात मोक्ष की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। ऐसे ही दया को धर्म का जो है एक प्रधान लक्षण बताया गया है, जिसमें दया की प्रधानता हो उसे धर्म कहते हैं। और कहा गया कि धम्मो दया पहाड़, जिसमें दया की प्रधानता हो वह धर्म कहलाता है। और इतना ही नहीं, कई प्रकार की परिभाषाएं धर्म को लेकर के हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों के ग्रंथों में और विविध धर्म दर्शन संस्कृति संप्रदाय परंपरा से संबद्ध ग्रंथों में देखने को मिलती है। और तरह तरह की परिभाषाएं, बड़े अद्भुत परिभाषाएं देखने को मिलती है। और सबने यही बात कही गई है कि श्रेष्ठताओं का समुच्चय ही धर्म है और सभ्यता और सुसंस्कारिता का समन्वय ही धर्म है। कर्तव्य पालन के लिए की गई मानव चिंतन की घेराबंदी को सबने धर्म कहा है। मित्रों, वस्तुतः धर्म सहज स्वाभाविकता का नाम है और आस्था की स्थापना अध्यात्म के आधार पर होती है और आचरण व्यवहार का समीकरण धर्माचरण पक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों के समन्वय को धर्म कहते हैं। धर्म एक आध्यात्मिक भूख है जिसे तृप्त करने के लिए भौतिक कष्ट भी सहन पड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को उस कष्ट का सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होती जितना उसके लिए धर्म को बचाना होता है। धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए धर्म की रक्षा से जो सुख मिल रहा होता है उस सुख की तुलना में अधर्म के कारण मिलने वाला सुख या अधर्म के कारण मिलता हुआ क्षणिक आनंद बहुत ही तुच्छ होता है। यानी कि धर्म से मिलने वाला सुख सांसारिक अनेक कष्टों यातनाओं से भी हजार गुना अधिक सुखदायी होता है। उनसे मिलने वाले जो दुख से हम उतने दुखी नहीं होंगे जितना अधर्म के पथ पर चलने से मिलने वाले दुख से होता है। इसलिए व्यक्ति चाहे कैसे भी कष्ट क्यों ना हो उसको भी हंस कर सहन करता है। क्यों? क्योंकि आगे धर्म की रक्षा हो रही होती है। इसलिए जो धर्म है यह वह शक्ति है जिसके कारण, जिस व्यवस्था के कारण मानवता टिकी हुई है। मित्रों, मनुष्य की प्रकृति का स्थायी तत्व जो अपने संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो और
उसे तब तक बेचैन बनाए रखता हो जब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान न हो जाए, वह धर्म है। वह उच्च स्तरीय सत्ता जो मनुष्य के स्वभाव तक में परिवर्तन कर देता है और जो निरंतर अधिक शुद्ध पवित्र बनाता रहता है, वह धर्म होता है। मित्रों, यह धर्म ही संसार का मूल आधार है। जैसे जैसे धर्म का धारण करने की प्रवृत्ति क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे संसार विनाश की ओर जाता है। और इसलिए कहा गया है कि समस्त संसार का मूल आधार और समाज की एकता को मूर्तिमान करने वाला एक सशक्त माध्यम धर्म ही है। और ऐसा आचरण जो सत्य हो, शुभ हो, कल्याणकारक हो तथा सुंदर हो, सत्यम शिवम सुंदरम, वह धर्म कहलाता है। और जो लोक अथवा प्रज्ञा को धारण करता है, अर्थात लोक प्रज्ञा की स्थिति की रक्षा करता है, वह तत्व ही धर्म है। इस प्रकार धर्म को कई रूपों में परिभाषित की गई है। और महाभारत के आदि पर्व में भी धर्म को परिभाषित किया गया है। वहां पर कहा गया है, सत्यार्जवे धर्म माहु, सत्य और शुद्धता को ही धर्म कहते हैं। और मित्रों, जो सत्य में रहता है वह ही धर्म कहलाता है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, महाभारत की बात कह रहा हूँ। वहां पर कहा गया है, दुर्जय शाश्वत धर्म सत सत्य प्रतिष्ठित। इतना ही नहीं कहा गया है, अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूत हितम परम, अहिंसा और सत्य बोलना ही जगत का कल्याणकारी धर्म है। इस प्रकार धर्म की कई तरह की व्याख्याएं शास्त्रों के अंदर देखने को मिलती है। वस्तुतः सभी शास्त्रों का मूल उद्देश्य भी व्यक्ति को धर्म और अधर्म को समझाना और धर्म के पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना। धर्म के पथ पर कैसे चल सकता है उसे उन सूत्रों को बताना और व्यक्ति किसी भी तरह से धर्म पथ पर चले, यह मनस्थिति सभी शास्त्रकारों की देखने को मिलती है। तो हम लोग भी निरंतर धर्म का ही आचरण करें, निरंतर हम धर्म का धारण करें और धर्म को धारण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावे। धर्म वह है जिससे जीवन धन्य बन जाता है। एक योग परंपरा में प्रसिद्ध ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह करके, वहां पर कहा गया है, धर्माशक्ते के इति यज्ञ वैराग्यम तपस्तीर्थम व्रतम त्यागे ज्ञानम योग इत्यादयः। यज्ञ वैराग्य तप तीर्थ व्रत त्याग ज्ञान तथा योग आदि ये धर्म है, इन्हें हमें धारण करना है। और वस्तुतः धर्म मुक्ति स्वरूप ही है। धर्म को धारण करना यानी कि मुक्ति के संग ही जीना होता है। जीवन मुक्त हम क्यों बोलते हैं, इसलिए कि वह धर्म के संग जीता है। जिसके जीवन में धर्म की वर्षा हो चुकी हो वह जीवन मुक्त है, वह निरंतर धर्म के संग जीता है। धर्मोपि स एव यो मुक्ति रूप, जो मुक्ति रूप है वह धर्म है और धर्म के संग जीने वाला वह जीवन मुक्त है। मित्रों, इस धर्म को जो सभी पदार्थों का सार है उसको हमें धारण करना है। एको धर्म सार पदार्थ, एक धर्म ही समस्त पदार्थों का सार है और उस धर्म का हमें धारण करना है और निरंतर सत्य एवं न्याय के अनुसार आचरण करना है। धार्मिक क्षमता को निरंतर वृद्धि करते चलना है। नैतिकता और आचरण की पवित्रता को भी निरंतर बढ़ने के लिए देना है। आइए आप हम सभी धर्म के पथ पर चलें, आप हम सभी योग के पथ पर चलें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।